समस्त संविदा कर्मचारी सदर हिलटगंज लक्ष्मी नारायण मंदिर में आवश्यक चर्चा हेतु बैठक रखी गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में सुदर्शन समाज के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान समाज से जुड़ी समस्याओं एवं सफाई कर्मचारियों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें महिला व पुरुष ने शासन से मांग की है कि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। सफाई आयोग के सदस्य, उन्होंने बताया था प्रशासन को, अधिकारियों को, कि सफाई कर्मचारी जो होता है वो एक समझ लो जिस तरह से एक फौजी रक्षा करता है बॉर्डर में, उसी तरह से हमारा ये जो सफाई कर्मचारी है ये भी रक्षक होता है हमारा। अगर ये अपने काम से अगर मुंह मोड़ ले या मुंह फेर ले तो यहाँ पर हैजा फैल जाएगा, बुरी तरह गंदगी से लोग मर जाएंगे। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से, कि जितने भी सफाई संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं समस्त मध्य प्रदेश में, उनको जल्द से जल्द उनको मूलभूत सुविधाओं का उनको मिलना चाहिए सुविधाएं, और उनका नियमितीकरण होना चाहिए। जो भी शासन द्वारा जो भी लाभ उनको मिलना चाहिए, जो भी योजनाएं आती है वो सारी योजनाओं का उनको लाभ मिलना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। और जितने भी ऐसे लोग जो कि अन्य समाजों से आके सफाई कर्मचारी में भर्ती हो गए हैं नगर निगम व अन्य विभागों में, उन लोगों को जल्द से जल्द जो है टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि वे जो भी लोग सफाई कर्मचारी के पद में आते हैं वो बाबुओं को वहाँ पे चमचागिरी करते हैं या ऑफिस में सेट हो जाते हैं, सफाई कर्मचारी का काम नहीं करते हैं। हमारे कर्मचारियों को वो काम जो है वो डबल काम पड़ता है, एक कर्मचारी चार कर्मचारी का काम करता है हमारा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं चाहता हूँ प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी से इनको जल्द नियमितीकरण किया जाए, इनके साथ शोषण नहीं होना चाहिए। आकाश मलिक।